अभिनेत्री माधुरी दीक्षित नेने ने 31 अगस्त को मुंबई के एक कार्यक्रम के दौरान भारत का पहला और एकमात्र मराठी ओटीटी प्लेटफॉर्म प्लैनेट मराठी लॉन्च किया। अभिनेत्री आधिकारिक तौर पर प्लैनेट मराठी ऐप की पहली ग्राहक बनी। दिग्गज अभिनेत्री माधुरी दीक्षित, जो पिछले 3 दशकों से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पर राज कर रही हैं, एक सस्पेंस पारिवारिक ड्रामा सीरीज के साथ ओटीटी स्पेस में अपनी शुरुआत करेंगी। इस दौरान जब उनसे ओटीटी प्लेटफॉर्म को मिल रही सफलता और उनकी आगामी थ्रिलर सीरीज फाइंडिंग अनामिका के बारे में बात की गई, तो माधुरी का कहना था, जैसे मैंने कहा कि ये प्लेटफॉर्म जो है बहुत ग्लोबल है, क्योंकि आप इतने सारे कंट्रीज में एक साथ चले जाते हैं। जैसे मैंने डांस विद माधुरी भी जब बनाया है तो हम 200 कंट्रीज़ में हैं और वहाँ पे लोग इसको कंज्यूम करते हैं, हमारे प्लेटफॉर्म पे आके सीखते हैं। तो मुझे लगता है कि जो वर्ल्ड है वो छोटा होता जा रहा है। हम भी इतने सारे सीरीज़ देखते हैं, इतने सारे मूवीज़ देखते हैं जो हमारे लैंग्वेज में नहीं है, लेकिन सब टाइटलिंग, डबिंग, इसकी वजह से उसकी जो रीच है बहुत बढ़ गई है। और मैं देखती हूँ कि OTT ऐसा प्लेटफॉर्म है जो अभी कोविड के वक्त भी सब घर पे थे और ऐसा ग्रो हुआ है, एंड आई थिंक इट विल कीप ग्रोइंग डेफिनेटली। एंड आपकी सीरीज भी आ रही है, क्या स्टेटस उसका? बिल्कुल, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, वो आएगी और आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट फाइंडिंग अनामिका। बॉलीवुड की धकधक गर्ल ने तेजस विजय देओस्कर की बकेट लिस्ट से मराठी इंडस्ट्री में डेब्यू किया था। माधुरी इन दिनों रियलिटी शो डांस दीवाने में बतौर जज नजर आ रही हैं। शो में जज करने में उनका साथ दे रहे हैं तुषार कालिया और धर्मेश। माधुरी सोशल मीडिया पर भी छाई रहती हैं। वह अक्सर अपनी खूबसूरत तस्वीरें और वीडियो फैंस के साथ शेयर करती हैं, जिन्हें फैंस काफी पसंद करते हैं। माधुरी के फैंस उन्हें बड़े पर्दे पर देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। INS रिपोर्ट।